Assalamu alaikum everyone, welcome to new English lesson. In this lesson we are going to learn the meaning of kuch. It was a request from one of my subscriber named Sonu Dundiyal and Sonu, here's your lesson. Kuch ko hum noun ke taur par bhi istamal karte hain aur verb ke taur par bhi istamal karte hain aur iski pronunciation hai kuch. Kuch. Repeat after me. Kuch. Kuch. And it has two different meanings. One is a cubby hole and second is a hug or a cuddle. जब हम इसको एक hug और cuddle के meaning में इस्तेमाल करते हैं तो तब ये एक noun या verb दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है. लेकिन मैं पहले इसका पहला मतलब जो है उसको explain करती हूँ. A cubby hole. A cubby hole का मतलब ये होता है कि घर के अंदर कोई एक छोटी सी जगह होती है ना, small सा कोई नुक्कड़ होती है या छोटा सा कोई room हो जहाँ पर चीज़ों को स्टोर करने के लिए उस जगह को इस्तेमाल किया जाए, तो उस जगह को आप एक कुछ बोलते हैं. जैसे कि घर में जिन्होंने पेट्स रखे होते हैं, डॉग या कैट रखी होती है, तो उसकी भी एक छोटी सी नुक्कड़ में जगह बनाई होती है ना, जहाँ पर वो कैट या डॉग जो है वो सोते हैं या रहते हैं, जो उनके लिए एक जगह बनाई थी उसको भी कुछ बोलते हैं. या कोई चीज़ों को स्टोर करने के लिए घर में एक छोटी सी नुक्कड़ में कोई छोटी सी जगह हो, कोई छोटा सा रूम हो, ठीक है, तो उसको भी कुछ बोलते हैं. ठीक है, तो एक छोटे रूम, एक स्मॉल स्पेस के लिए भी कुछ का वर्ड यूज़ होता है. और उसका जो सेकेंड मीनिंग है अ हग और अ कडल, किसी को गले लगाना, हग का मतलब कडल करना जो होता है, उसके लिए भी आप एक कुछ का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. अब एक हग को या एक कडल को भी कहेंगे कुछ, और किसी को हग करना या किसी को कडल करना उसको भी कहेंगे कुछ. मतलब कि नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होगा ये और वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होगा. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. अब फर्स्ट एग्जांपल इज पुट ऑल दिस स्टफ इनटू द कुछ डाउनस्टेयर्स. यहाँ पर जो कुछ है वो पहले मीनिंग में कभी होल के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है. तो ये जो सारा सामान है सीढ़ियों के नीचे जो कुछ है, जो एक छोटे से ही जगह बनी हुई एक स्मॉल स्पेस है, वहां पर जाकर रख दो जहां पर हम अपना फालतू सामान जो है वो स्टोर करते हैं. तो ये जितना भी सामान है उसको सीढ़ियों के नीचे जाकर जो कुछ बनाई हुई है वहां पर जाके रख दो. ठीक है, जहां पर कि जो भी सामान फालतू होता है उसको स्टोर किया जाता है. अ सेकेंड एग्जाम्पल इज आई जस्ट नीड अ कुछ फ्रॉम माई मॉम, कि मुझे अपनी माँ से ना एक बस हग की ज़रूरत है, एक कडल की ज़रूरत है. ऐसा होता है ना समटाइम्स के हम ज़िंदगी में थोड़ा लो जो है फील कर रहे हो, तो उस वक्त दिल करता है कि बस माँ की गोद में जाकर ना लिपक जाए, उनको हग करें एक जोर की, ताकि उस वक्त एक अच्छी फीलिंग आती है, एक रिलैक्स फीलिंग आती है. तो यही कह रहा है कि आई जस्ट नीड अ कुछ फ्रॉम माई मॉम, कि मैं अपनी मॉम से ना एक हग चाहता हूँ. Our third example is I drove all the way just to kuch her, कि मैं इतनी दूर से drive करके जो यहाँ तक पहुँचा हूँ just to kuch her, कि उसको बस एक hug देने के लिए मैं इतनी दूर से drive करता हुआ यहाँ पे आया हूँ. Okay friends, our lesson has come to the end. I hope it was useful for you. If you like this lesson, like, comment and share this video. Subscribe to my channel. I'll see you in next lesson. Allah Hafiz.